शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हटा दीजिए ब्रज मंडल का अस्तित्व इस संसार के मानचित्र से, जलमग्न कर दीजिए इस ब्रज मंडल को। इंद्रदेव, अब समाप्त ब्रजमंडल नहीं, अपितु आपका अहंकार होगा। जिस गोवर्धन पर्वत को आप शापित समझ रहे थे, वही संसार के लिए वरदान सिद्ध होंगे। जिन गोवर्धन पर्वत को आप अपने अहंकार में तुच्छ समझ रहे थे, अब वही गोवर्धन पर्वत के द्वारा प्रभु कान्हा आपके द्वारा लाए संकट को समाप्त करेंगे। प्रभु, मैं और संपूर्ण संसार बड़ी व्याकुलता से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप गोवर्धन पर्वत को धारण करेंगे। पर्वतराज, आप त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि मेरी लीलाओं में सौभाग्य बन सके। अब उस स्थापना का क्षण आ गया है पर्वतराज। बलराम, हमने गोवर्धन पर्वत जाने की सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन कान्हा इतनी बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करके गोवर्धन पर्वत पहुंचेगा भी या नहीं? बलराम, कहीं कान्हा किसी संकट में पड़ गया होगा तो? बाकी कान्हा सबका संकट दूर करता है, अब निश्चिंत रहिए। वो अवश्य ही गोवर्धन पर्वत पहुंचकर हम सबकी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहा होगा। तो बलराम, आकाश अभी भी विद्युत तड़ित गिर रही है, ऐसे में हम गोवर्धन पर्वत कैसे पहुँचेंगे? हमें संभल कर चलना होगा, दृष्टि रखनी होगी आकाश पर, और हमें प्रयास करना होगा कि हम किसी वस्तु की आड़ पर चले। और फिर भी यदि विद्युत तड़क गिरी तो मेरी मुश्किल है ना? बलराम, तुम्हारे काका अब तक नहीं आए। अवश्य ही वो संकट में गिरे ब्रजवासियों की सहायता कर रहे होंगे। वो अपने पीछे किसी व्यक्ति को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके लिए हर ब्रजवासी उनके पुत्र के समान है। तुमने सत्य कहा बलराम, परंतु वर्षा तो अति तीव्र होती जा रही है। यदि हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो हो सकता है कि हम गोवर्धन पर्वत तक ना पहुँच पाए। पर हम नंद जी और अन्य ब्रजवासियों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। ठीक है काकी, हम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं, नंद बाबा आते ही होंगे। हे गोवर्धन पर्वत, आज आपको मेरी लीला में सहयोग करना होगा। ब्रजवासियों को इंद्रदेव के कोप से बचाना होगा, इंद्रदेव के अहंकार का अंत करना होगा, और उसका केवल एक ही मार्ग है मुझे ब्रज मंडल की रक्षा के लिए और इंद्रदेव के अहंकार का नाश के लिए आपको धारण करना होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि नंजी कहाँ रह गए, पता नहीं कहाँ होंगे वो, अब तक आए क्यों नहीं? चलो नंदरानी, शीघ्रता करो। शेष लोग कहाँ हैं? मैंने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की ओर भेज दिया, सभी अपने अपने मार्ग से गोवर्धन पर्वत की ओर जाने के लिए तैयार हैं। हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, अन्यथा यहाँ से निकलने का मार्ग कभी भी बंद हो सकता है। हे महादेव, हे नारायण, इंद्रदेव के इस प्रकोप से हम ब्रजवासियों की रक्षा करना प्रभु। चलो यशोदा। चलिए नंद जी, चलिए सब लोग। अब मैं आपकी अनुमति से आपको धारण करने जा रहा हूँ। जैसे आपने सदैव ब्रज मंडल का पालन किया, गलियों की रक्षा की, वैसे ही ब्रजवासियों की भी रक्षा कीजिए। संभव नहीं, नहीं कान्हा,
आप ऐसा नहीं कर सकते। एक लंबा सा बालक एक विशाल काय पर्वत को अपनी उंगली पर उठा कैसे सकता है? धन्य है प्रभु काल और धन्य है आपकी लीला आज ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए, इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए आप गोवर्धन गिरधारी बन गए, जो गोवर्धन पर्वत युगो युगो से आपकी सानिध्य की प्रतीक्षा में थे, उन्हें आज आपने अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया है। आज आपने ना केवल ब्रिजवासियों की रक्षा की अपितु अपने परम भक्त गोवर्धन की भी मनोकामना पूर्ण की है। धन्य है प्रभु आप, धन्य। नंजी, ये काना पर्वत कैसे उठा सकता है? काकी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कान्हा के कहने पर पर्वतराज गोवर्धन स्वयं हमारी सहायता कर रहे हैं। कान्हा, तुमने ये पर्वत कैसे उठाया? मैया, जब हमने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की और पूजा की स्थापना की, तब उन्होंने हमें वचन दिया था कि संकट के समय वो हमारी सहायता करेंगे। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया मैया, ये तो पर्वतराज गोवर्धन स्वयं हमारी सहायता कर रहे। कान्हा, तो क्या इंद्रदेव के इस कोप से पर्वतराज हमारी रक्षा कर सकते हैं? इंद्रदेव अब हमारा कोई हित नहीं कर सकते, आप निश्चिंत रहिए। काकी, कान्हा सत्य कह रहा है, देखिए आकाश से गिर रहे विद्युत तड़ित का पर्वत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम सभी यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हैं। जो भी हो, कान्हा अधिक समय तक इतने विशाल पर्वत को अकेले नहीं थाम सकता, हमें इसकी सहायता करनी होगी। वैसे तो मैं अकेले ही इस पर्वत को थाम सकता हूँ, पर आप सब भी आइए और अपने अपने लट से पूरी शक्ति लगाइए। सभी पुरुष कान्हा की सहायता के लिए आगे आए। ये ब्रजवासी आज बचने नहीं चाहिए। अपनी संपूर्ण शक्ति से ऐसा प्रहार करो इस गोवर्धन पर्वत पर, ये टूट कर खंड खंड हो जाए। जो आज्ञा इंद्रदेव। भले ही कान्हा की लीलाएं इस संसार में प्रसिद्ध होंगी, किंतु इस बार कान्हा की लीलाओं की पराजय होगी और विजय होगी केवल और केवल देवाधिपति देवराज इंद्र की। ऋषिगण, भागवत पुराण में वर्णित है कि कान्हा के गोवर्धन पर्वत की धारण कर लेने के पश्चात इंद्रदेव का कोप शांत नहीं हुआ और आकाश से 7 दिन और 7 रात तक लगातार घनघोर वर्षा होती रही। उन 7 दिनों में किसी ने न एक निवाला खाया और न जल की एक बूंद पी। माता यशोदा, जो कान्हा को 8 पहर माखन मिश्री खिलाती थी, वो भी कान्हा को अन्न का एक दाना भी नहीं खिला पाई। सब लोग भूखे प्यासे गोवर्धन पर्वत की शरण में 7 दिन तक खड़े रहे। नंजी, 7 दिन होने को, 7 दिनों से सभी लोग भूखे प्यासे वर्षा की रुकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7 दिनों से ना ही किसी ब्रिजवासी ने कुछ खाया है और ना ही मेरे लल्ला ने। मैया, यही तो हमारी परीक्षा है। हमने इंद्रदेव के प्रभाव को रोक दिया है, अब उन्हें पराजित भी अवश्य करेंगी। हाँ कान्हा, इस बार इंद्रदेव को पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाना चाहिए कि ब्रज का कोई भी अहित नहीं कर सकता। हाँ कान्हा, अब देवराज इंद्र कितने भी अधर्म क्यों ना कर ले, पर अब ब्रज मंडल में इंद्रदेव की नहीं अपितु पर्वतराज गोवर्धन की पूजा होगी। तुमने सत्य कहा सुंदर, इंद्रदेव को हम केवल शक्ति से पराजित नहीं कर सकते,
अब तो उसके लिए हमें भक्ति भी करनी होगी। मैया, किसकी भक्ति की बात कर रहे हैं आप? गोपेश्वर महादेव की लल्ला, क्योंकि गोपेश्वर महादेव ने सदैव हम गोपालों की सहायता की है। हमारे इस प्रयास में भी वो हमारी सहायता अवश्य करेंगी। तुमने सत्य कहा यशोदा, हम सबको गोपेश्वर महादेव की स्तुति करनी होगी। तो फिर देर किस बात की, चलो एक साथ आरंभ करते हैं गोपेश्वर महादेव की स्तुति। आज तुम त्रिदेवों की वंदना ही क्यों ना कर लो, किंतु मेरे वज्र की वर्षा से तुम्हारे रक्षक बने इस गोवर्धन को खंडित होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ वर्षों इस गोवर्धन पर्वत पर और खंडित कर दो इसे। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एगो और शक्ति लगाओ, हे देवाधिपति देवराज इंद्र के अस्तित्व का प्रश्न है, लगाओ शक्ति और खंड खंड कर दो इस गोवर्धन पर्वत को। धर्म हर सीमा को लांघ चुका है। आपने प्रभु कान्हा के कार्यों में बाधा बनने का प्रयास किया। आप ब्रजवासियों के जीवन पर संकट बने। आपने गोवर्धन पर्वत को नष्ट करने का प्रयास किया और अब आप भक्ति पर संकट बनना चाहते हैं। भक्ति संसार का आधार है। मैं आपको ब्रजवासियों और अपने भक्तों पर संकट नहीं बनने दूंगा और आपको आपके कर्मों का दंड देना ही होगा इंद्रदेव, और वो दंड मैं आपको स्वयं दूंगा। कैसे संभव है, जिस मेघ गर्जना से सिंह तक कांप उठते हैं, जिस वज्र की शक्ति से विशाल काय पर्वत भी खंडित हो जाते हैं, आज उस शक्ति से ये गोवर्धन कैसे पच गया? ये गोवर्धन खंडित क्यों नहीं हो रहा? देखो, क्या तुम्हारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं? क्षमा करें इंद्रदेव, जिसे स्वयं नारायण ने थाम रखा हो उसका अहित हम कैसे कर सकते हैं? बंद करो अपना यह प्रलाप। अरे इसी भक्ति भाव के कारण आज देवाधिपति देवराज इंद्र से धरती का एक नन्हा सा बालक पराजित नहीं हो पा रहा है, ये तो तुम्हारे कारण। मैं देवाधिपति देवराज इंद्र पराजित नहीं हो सकता, इसलिए जाओ जाकर अंत कर दो इन ब्रजवासियों का। ठहर जाइए इंद्रदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, आप और यहाँ? मुझे आना पड़ा इंद्रदेव, क्योंकि आपका यह धर्म अब क्षमा योग्य नहीं। आप देवलोक से निष्कासित होने के पश्चात भी अपना हट अपना अहंकार नहीं त्याग रहे, जो सृष्टि के लिए विनाशकारी है। देव अधर्म तो मेरे साथ हुआ है, मुझे देवलोक से निष्कासित किया गया है और आप उस काना का साथ दे रहे हैं। आपको आपके कर्मों का फल मिला है देवराज,
फिर भी आपको अपनी भूल का आभास नहीं, इसलिए आज मैं आपको ऐसे स्थान पर भेज दूंगा जहां से लौटना असंभव है। रात तब तक वहां बंदी रहेंगे जब तक आपका अहंकार और प्रभु कान्हा के प्रति वैर भाव समाप्त नहीं हो जाता। महादेव, आपके अधिपति देवराज इंद्र को बंदी नहीं बना सकते, आप दंडित नहीं कर सकते। महादेव, आप मुझे बंदी नहीं बना सकते। देवराज, रोक दीजिए इस अधर्म को, विराम लगा दीजिए इस घोर वर्षा पर। कुपेश्वर महादेव ने आपकी पुकार सुन ली। हाँ काकी, वर्षा पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंद्रदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। ये सब कान्हा के कारण हुआ है। हाँ सोम, कान्हा के धर्म के सम्मुख इंद्रदेव के अधर्म को भी झुकना पड़ा। कान्हा, आज तुम्हारे कारण ही सभी ब्रिजवासी सुरक्षित है, सबके प्राण बचे हैं। हाँ कान्हा, तुम भले ही यशोदा काकी के लल्ला हो पर हमारे लिए तो भगवान हो। तो बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो ऋषिगण, इस प्रकार कान्हा ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण कर इंद्रदेव के कोप से सबकी रक्षा की। परंतु प्रभु, आपने अपनी कनिष्ठा उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया था? ऋषिगण, भागवत कथा में ऐसा वर्णन है कि गोवर्धन धारण करने से पूर्व श्री कृष्ण ने सभी उंगलियों से पूछा कि वे किस उंगली पर गोवर्धन को धारण करें। तब तर्जन, अंगुष्ठा, मध्यम और अनामिका ने स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण बताया। सभी अपने अपने महत्व को बताकर अपनी उपयोगिता और श्रेष्ठता सिद्ध करने लगी, परंतु कनिष्ठा उंगली चुप रही। तब कान्हा ने कनिष्ठा से पूछा कि तुम्हें अपने विषय में कुछ नहीं कहना? तब कनिष्ठा उंगली ने कहा कि प्रभु, इस संसार में आप ही सबसे महत्वपूर्ण है, आपसे ही हमारा महत्व है, आप ही श्रेष्ठ है। कान्हा कनिष्ठा उंगली के इस उत्तर से इतने प्रसन्न हुए कि कनिष्ठा उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को धारण करने का निर्णय किया। इससे संसार को ये भी सीख मिलती कि जब तक हम स्वयं को महत्वपूर्ण मानते हैं, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जिस क्षण हम स्वयं को परमात्मा में विलीन कर देते हैं, उसी क्षण हम पर ईश्वर की कृपा होती है। सत्य कह रहे हैं प्रभु, परंतु आपके 56 भोग और इस मंत्र की स्थापना कैसे हुई? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऋषिवर, जिस कान्हा को उनकी माता यशोदा 8 पहर भोजन कराती थी, वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण और इंद्रदेव के संकट के कारण 7 दिनों तक भूखे प्यासे खड़े रहे। पर जब इंद्रदेव का संकट समाप्त हो गया, तब ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 पहर के अनुसार 56 प्रकार के भोगों का
गोविंद को भोग लगाया, क्योंकि 7 दिन और 8 पहर मिलाकर होते हैं 56, जिसे गोविंद ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। उसी दिन से कान्हा को 56 भोग लगाने की परंपरा की स्थापना हुई। कान्हा, तुमने हमारी रक्षा में 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, और नंदरानी तो तुम्हें प्रतिदिन 8 पहर भोजन कराती है, इसलिए हम सभी ब्रिजवासी तुम्हारे लिए अपने अपने घरों से तुम्हारा प्रिय भोग लाए हैं, जो सब मिलाकर 56 है। इसीलिए ये 56 भोग ग्रहण करो कान्हा। 56 भोग ग्रहण करो। ऋषिगण, तो इस प्रकार कान्हा के गोविंद बनने की और 56 भोग ग्रहण करने की कथा पूर्ण है, और इसीलिए संसार में जो कोई भी भक्त ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र के साथ 56 भोग चढ़ाता है, उस पर सदा मेरी कृपा रहती है और उसके समस्त संकटों का हरण करता हूँ मैं। होली का इतिहास मनाएं ये होली लड्डू गोपाल के साथ।